अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य और दिव्य मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके बाद रामलला विराजमान हो जाएंगे। उस दिन पूरे देश में उत्सव होगा और इस उत्सव के लिए घर घर पहुंचकर अक्षत निमंत्रण देने की शुरुआत हो चुकी है। वीएचपी और संघ ने अक्षत निमंत्रण का प्लान बनाया। निमंत्रण में पूजित अक्षत प्रभु राम का चित्र और पत्रक दिया जाएगा। बांटे जाने वाले इस पत्रक में कहा गया है कि लोग 22 जनवरी को अपने घर के पास के मंदिर में आयोजन करें, दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। 1 से 15 जनवरी तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा गृह संपर्क महाअभियान के तहत 5-5 लोगों की टोली में 1-1 घरों में अक्षत निमंत्रण के तहत संपर्क किया जा रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा, अयोध्या और चंडीगढ़। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से ही अक्षत निमंत्रण की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें, एक टोली बनाई गई है और ये टोली हर घर जा जाकर ये निमंत्रण दे रही है। और लोगों से जो निमंत्रण दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिवाली जैसा यहाँ पर हर घर में दिए जलाएं, एक आयोजन किया जाएगा और बेहद ही उत्साह से भरा पूरा आयोजन किया जाएगा। और आप देख सकते हैं, अक्षत के साथ पत्रक भी दिया जा रहा है। तो सीधे तस्वीरें ये आप देख रहे हैं अयोध्या से, जो पूजा किया जा रहा है। उसके बाद ही आपको बता दें कि आज से ही ये पत्रक बांटा जाएगा, अक्षत जो बांटना है। और एक एक घर जाकर आपको बता दें कि अक्षत का वितरण होगा। वीएचपी का आज से ही ये अभियान शुरू हुआ है, अक्षत निमंत्रण के अभियान की शुरुआत की गई है। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे थे, अयोध्या से पूजा पाठ किया गया, उसके बाद से जो ये अक्षत का पूजा किया गया, उसके बाद हर घर ये अक्षत पहुंचाया जाएगा। नए साल का आगाज हो चुका है और 2024 के पहले दिन की शुरुआत भक्ति के साथ हुई, जहां पूजा अर्चना और आरती की गई। वाराणसी में गंगा आरती की गई तो दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में संकट मोचन के बाल रूप की पूजा की गई। तो आप देख सकते हैं, उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी बाबा की भस्म आरती से उनका पूजन किया गया। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंगा आरती से शुरुआत की गई है वाराणसी में, तो दिल्ली में भी प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना किया गया। और तीसरी तस्वीरें आप उज्जैन के महाकाल के मंदिर की देख रहे हैं, भस्म आरती से बाबा की पूजन अर्चन हुआ और भस्म आरती से आज दिन की शुरुआत हुई। 2024 का आगाज हो चुका है और हर जगह पूरे देश के लिए शांति की प्रार्थना की जा रही है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।